जनऔषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन, देश के मध्यम वर्ग के परिवार को एक नई ताकत दी। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए, 2-3 हजार रुपये दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है वो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये में दी, और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है, और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं।